सीरियल परिणीति की बात करें तो शो में आखिरकार परिणीति जो चाहती थी वही हुआ। वो राजीव से शादी करना चाहती थी और राजीव से ही उसकी शादी एट लास्ट फिक्स हो जाती है। राजीव दुल्हा बन जाता है और परिणीति तो ऑलरेडी दुल्हन बनी ही हुई थी, लेकिन अब मंडप में इन दोनों की शादी होगी। लेकिन यहाँ पर राकेश जो है एक बार फिर से पहुँच जाता है वेश बदल कर, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं है कि परिणीति किसी और की हो। वो अपने साथ रिवॉल्वर भी लेकर आता है। हालांकि जो MLA है वो उन्होंने मना किया था अपने बेटे को यानी कि राकेश को कि किसी भी हाल में वो इस घर से इस रूम से बाहर नहीं निकलेगा और परिणीति की शादी में नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता है बात। वो भाग जाता है और पहुंच जाता है वेश बदलकर उस शादी में। लेकिन अब आप देखने वाले हैं कि कैसे इस शादी में होने वाला है, आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां वो किडनैप हो जाएगी परिणीति, जहां किडनैप करने की कोशिश करेगा, गोली मारने की कोशिश करेगा राजीव को। लेकिन यहां पर नीति जो है वो सामने आ जाएगी। जी हाँ, नीति जो है एक बार फिर से अपनी दोस्त को बचाने के लिए सामने आएगी। देखना दिलचस्प होता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक दुल्हा की दो दुल्हन होती है, यानी कि दोनों सहेलियां उसकी दुल्हन बनती है, कौन सा ऐसा ट्विस्ट आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।